हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन जो कि आपके लिए हाईली चैलेंजेबल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स है जो कि अरेंज्ड है डिफरेंट शेप्स एंड साइज में, आप देख सकते हैं। और सारे स्क्वायर एक ही है, मतलब कि सारे स्क्वायर का एरिया एक है और लेंथ और ब्रेथ दोनों का सेम है। हमारे पास रेक्टेंगल का लेंथ 26 यूनिट्स है और ब्रेथ 17 यूनिट्स है। तो हम लोगों को ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है, यानी कि कोई भी एक छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो अगर आप ट्राई लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और एक ट्राई लें, और जब नहीं सॉल्व हो तो आगे बढ़ाएं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस रेड वाले जोन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यानी कि ये रेड वाले ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये रेड वाले ट्राइंगल का जो हमारा हाइपोटेनियस है वो हमारा स्क्वायर का सेम पार्ट है, यानी कि ट्राइंगल का एक साइड और स्क्वायर का एक साइड कॉमन है। तो हम लोग इस ट्राइंगल में ए बी सी साइड्स को सपोज कर लेते हैं, और क्योंकि एक साइड कॉमन है तो हम लोग स्क्वायर को इसमें ओवरलैप करके इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब अरेंज करने से हम लोग को क्या बेनिफिट होगा, अब हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोगों ने पहले अरेंज किया था इस टाइप से, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ए बी 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 ए है। ये सब कॉम्प्रोमाइज करके, यानी कि सबको मिला के हमारा बड़े वाले रेक्टेंगल का ब्रेथ बन रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा लेंथ हमारा 17 है। उसी तरह से हम लोग लेंथ की ओर आएंगे। जब लेंथ की ओर आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारा लेंथ, तो ये हमारा सिमिलरली क्या हो जाएगा, 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 26। तो अब हम लोग के पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17 और 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 26। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास a और b के वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि है a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 3। अब a और b निकल चुका है तो हम लोग रेड वाले ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो हमारे पास c अननोन है। तो ये एक हाइपोटेनियस ट्राइंगल है, तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो सी निकाल सकते हैं। हाइपोटेनियस सी है, बेस बी है और परपेंडिकुलर ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और सी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। क्योंकि सी ही हमारा इस स्क्वायर का भी साइड है, तो ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, यानी कि छोटे वाले स्क्वायर का एरिया हमारा हो गया 25 यूनिट्स। तो यही हमारा आंसर हो गया। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।